1998 में सोनी ने एक कैमकॉर्डर लॉन्च किया था, जिसका सबसे मशहूर फीचर ये था कि वो कपड़ों के पार देख सकता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस फीचर के बारे में सोनी को भी नहीं पता था। पता चलने और लोगों द्वारा आलोचना होने पर सोनी ने इस मॉडल के 7 लाख के लगभग कैमरों को वापस मंगवाया था, लेकिन फिर भी ये कैमरे ब्लैक मार्केट में दुगनी कीमत पर बिकते रहे, क्योंकि ये कपड़ों के पार देख सकते थे। और अब बात करते हैं 2020 की, जब यही बात OnePlus 8 Pro में देखने को मिल रही है, क्योंकि उसमें लगा कलर फिल्टर कैमरा भी कुछ मटेरियल्स के पार देख सकता है, जिसमें कपड़े भी शामिल हैं। हालांकि ये दोनों कैमरे बादशाह के चश्मों के जितने तो एडवांस नहीं हैं जो इतना साफ देख सकें, लेकिन फिर भी कुछ पतले और सिंथेटिक कपड़ों के अंदर का इनसे देखा जा सकता है, जो कि 1998 में भी सीरियस प्राइवेसी इशू के तौर पर लिया गया था और आज भी लोग इसे ऐसे ही देख रहे हैं। सोनी का कैमकॉर्डर और OnePlus 8 Pro हमारे इस सवाल का जवाब तो दे देते हैं कि क्या कपड़ों के पार देखा जा सकता है, लेकिन अब बात ये आती है कि क्या कोई इनसे भी एडवांस तकनीक है जो कपड़ों के पार बिल्कुल साफ साफ देख सके। तो जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। साल 2009 में अमेरिका ने अपने एयरपोर्ट्स पर एक्सरे और मिलीमीटर वेव स्कैनर लगाने शुरू किए थे। मिलीमीटर वेव एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से कपड़ों के अंदर छुपी किसी चीज़ को देखा जा सकता है और उसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन 2010 में एक मिलीमीटर वेव स्कैनर का डाटा लीक हो गया और उस डाटे को देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि उसमें एयरपोर्ट पर स्कैन किए गए लोगों की तस्वीरें थीं, जिसमें ये लोग बिना कपड़ों के देखे जा सकते थे, और सबसे बड़ी बात कि उनका चेहरा भी लगभग पहचाना जा सकता था। इस चीज़ को देखकर लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया था। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने इन स्कैनर्स में कुछ तब्दीलियां की, जिसके चलते इनमें कोई डाटा स्टोर नहीं हो सकेगा और इंसान की पूरी इमेजिंग के बजाय स्क्रीन पर सिर्फ ह्यूमन मॉडल दिखेगा, जिस पर कि कपड़ों के अंदर छुपा रखी चीज़ें नज़र आएंगी, अगर किसी ने छुपा रखी हैं तो। मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी काफ़ी महंगी है और इतनी पोर्टेबल नहीं है जिससे कोई छोटा स्कैनर बन सके या किसी कैमरे या मोबाइल में इसे फिट किया जा सके, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी तकनीक अगर आम तौर पर अवेलेबल हो जाए तो छोटे CCTV कैमरों की तरह इसका भी बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है। और इस बात का अंदाज़ा आप प्ले स्टोर पर पड़े इन फेक बॉडी स्कैनर के डाउनलोड से लगा सकते हैं कि अगर सच में ऐसी कोई तकनीक अवेलेबल हो तो लोग उसका कितना और कहां कहां गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि तकनीक के विकास को रोका नहीं जा सकता, फिर चाहे वो सही हो या गलत, और हर किसी चीज़ का सही और गलत दोनों तरह इस्तेमाल हो सकता है। और अगर ऐसी कोई तकनीक कभी अवेलेबल हो जाए तो आज जैसे हम पब्लिक प्लेसेस पर स्पाई कैमरा से डरते हैं, वैसे ही कपड़ों के पार देखने वाले कैमरों से डरा करेंगे, और शायद किसी टाइम में बुलेट प्रूफ जैकेट की जैसी कोई स्कैनिंग प्रूफ जैकेट पहनने की नौबत आ सकती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।